योर हिंदी क्लास। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 13 पढ़ाऊंगी, जिसके का नाम है असली धन। इस पाठ में रजत नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहता था, जिसकी ईमानदारी के कारण उसके पास उसका असली धन क्या था, आज मैं इस पाठ के द्वारा आपको समझाऊंगी। रजत ईमानदार, समझदार, पढ़ा लिखा और नेक इंसान था। शिक्षित व गुणी होने के बाद भी उसके दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। रजत नाम का जो एक लड़का था वो बहुत ईमानदार, पढ़ा लिखा और समझदार नेक व्यक्ति था, लेकिन फिर भी शिक्षित और गुणी होने के बाद उसके दिन कैसे गुजर रहे थे, गरीबी में गुजर रहे थे। उसके पास खेती बाड़ी करने के लिए न तो पर्याप्त जमीन थी और न ही उसके योग्य कोई गाँव में दूसरा काम था। जिस लायक वह था तो उसके जैसा कोई काम भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा इंसान था। एक बार रजत के मस्तिष्क में विचार आया कि किसी निकटवर्ती शहर या कस्बे में जाकर कोई नौकरी की जाए। मस्तिष्क में, दिमाग में उसके एक बार विचार आता है कि किसी शहर में, पास ही के शहर में जाए और नौकरी की जाए। अगले ही दिन वह गांव छोड़कर शहर आ गया। शहर में उसका एक मित्र था जिसने उसे रहने के लिए जगह दे दी थी। रजत ने थोड़े दिन बाद उसके मन में विचार आता है, माइंड में, दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना मैं किसी शहर में, कस्बे में या गांव में, पास में जाकर नौकरी ढूंढ लेता हूँ। तो वहाँ पर चला जाता है, पास ही शहर में जाता है और वह वहाँ अपने एक मित्र के घर पर रहने लगता है। अगली सुबह से रजत ने नौकरी की तलाश करनी आरम्भ कर दी थी। सुबह उठकर नहा धोकर वह नौकरी की तलाश में निकल जाता था और इधर उधर खूब घूमता फिरता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता, ढूंढ ढूंढ के नौकरी तलाश कर करके बहुत थक चुका था वो। नौकरी, कई दिनों तक उसे नौकरी भी नहीं मिली थी। एक दिन उसे नौकरी पाने में सफलता मिल गई। जब हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। तो ऐसे ही रजत को भी सफलता मिल जाती है और उसको कहीं एक नौकरी भी मिल जाती है। वह जहाँ नौकरी की तलाश करने गया था, वहाँ का मालिक जगत राम एक नेक इंसान था। जहाँ उसको नौकरी मिलती है तो वहाँ का जो मालिक था जगत राम, वह बहुत ही नेक इंसान था। रजत की दयनीय स्थिति देखकर सेठ ने उसे नौकरी पर रख लिया था, छोटी सी नौकरी पर उसको रख लिया था। रजत में गुण थे, बुद्धि थी, दूरदर्शिता थी और सूझबूझ थी। जगत राम ने उसके इन गुणों को भांपकर जल्दी उसे अपना मुनीम नियुक्त कर लिया था। रहने के लिए उसने रजत को वहीं एक कमरा भी दे दिया था। वह पहले अपने एक मित्र के साथ रहता था, लेकिन जब उसके मालिक के यहाँ, मालिक ने नौकरी दी उसको, तो उसने रजत के अंदर बहुत सारे गुण देखे थे कि वह बुद्धि भी है उसमें, दूरदर्शिता भी है। दूरदर्शिता का अर्थ होता है कि दूर की जो बातें होती है, दूर की जो नज़रें होती है, दूर का जो सोच होती है, वो उसमें बहुत ज़्यादा थी और सूझबूझ में भी वह बहुत अच्छा था। तो जगत राम इन गुणों को समझ चुका था, तो उसने उसको जल्दी से मुनीम जी का काम दे दिया था। रहने के लिए उसने उसको वहीं पर एक मकान भी दे दिया था। रजत बहुत प्रसन्न था। वह मेहनत, लगन और सूझबूझ से हर काम को करने लगता। उसके परामर्श से जगत राम का कारोबार बहुत बढ़ गया था, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था उसका कारोबार। यह देखकर जगत राम के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। ना जाने क्यों एक दिन जगत राम को रजत की एक बात खटक गई, बहुत बुरी लग गई थी कि रजत की कुछ बातें थी तो उसको बुरी लग गई थी। दरअसल दोपहर को भोजन करने के बाद रजत अपने कमरे में चला गया। यह रोजाना का नियम था कि भोजन करने के बाद वह एक घंटा आराम करता। यह बात जगत राम को भी पता थी। जगत राम की कोई सारी बातें पता थी कि रजत क्या करता था, एक खाना खाने के बाद वह एक घंटा आराम करता था। और लेकिन उसी दिन पहली बार उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि रजत ने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। उसने यह भी देखा कि रजत रोज कमरे में जाता और अंदर से कुंडी लगा लेता। इसी तरह दिन गुजरते रहे। जगत राम प्रतिदिन रजत के कमरे में जाकर भीतर से कुंडी बंद करते देखता और मन ही मन सोचता कि हो सकता है कि रजत ऊपर से ईमानदारी का दिखावा करता है
और लेकिन भीतर ही भीतर हेराफेरी करके कुछ धन छिपाता हो। एक दिन जगत राम के सब्र का बांध टूट गया। एक दिन तो फिर उसने सोच ही लिया, उसका जो इतने टाइम से सब्र था, उसने अपने आप को रोक रखा था कि मैं अब पूछ कर ही रहूँगा कि वो ऐसा क्यों करता है। उस दिन जैसे ही रजत ने कमरे में पहुंचकर कुंडी बंद की, वैसे ही जगत राम उठकर द्वार पर पहुंच गया और द्वार थपथपाकर बोला, दरवाजा खोलो। रजत ने सहज भाव से दरवाजा खोल दिया और बोला, कहिए सेठ जी। जगत राम ने देखा उसके चेहरे पर घबराहट का कोई चिन्ह नहीं था, जबकि जगत राम को उम्मीद थी कि अचानक दरवाजा खुलवाने पर वह घबरा जाएगा। इसे जगत राम उलझन में पड़ गया। तभी उसकी नज़र अंदर रखे एक संदूक पर पड़ी। अब जगत राम का शक पुख्ता हो गया। उसको तो जैसे संदूक दिखा तो उसका शक तो और ज़्यादा गहरा हो गया। पुख्ता करता और गहरा होना, पक्का हो जाना। रजत जरा इस संदूक को खोलो, वह रजत से बोलने लग गया कि इस संदूक को खोलो। सेठ जी, इसमें मेरा असली धन है, कृपया इसे न खुलवाइए, रजत बोला। रजत क्या बोलता है कि सेठ जी, इसमें मेरा असली धन है तो कृपया इसे ना खुलवाइए आप। क्यों नहीं खुलवाऊँ, खोलो इसे, जगत राम जोर से बोला। और जगत राम उसको चिल्लाने लगता है और ज़ोर से बोलने लगता है कि खोलो इसे, क्यों नहीं खोलोगे तुम। जगत राम ने एक लंबी सांस ली और सांस लेकर कहा, ठीक है सेठ जी, यदि आपको मेरी बात नहीं मानते तो मत मान लीजिए। देख लीजिए, रजत ने जेब से चाबी निकाली और संदूक का ताला खोल दिया। इसके पश्चात उसने ढक्कन उठाकर संदूक जगत राम की ओर खिसका दिया। जब जगत राम ने संदूक के भीतर रखे हुए सामान को देखा तो वह ठगा सा रह गया और चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। यानी कि जब उसने एकदम संदूक देखता है तो वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया और उसको शर्म आने लग गई कि मैंने ये क्या गलत काम कर दिया। संदूक में एक जोड़ी पुराना कुर्ता पजामा और एक जोड़ी घिसी हुई चप्पलें रखी हुई थी। ये वही कपड़े और चप्पलें थी जिन्हें पहनकर रजत जगत राम से नौकरी मांगने के लिए आया था। जगत राम को खामोश देखकर रजत ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं आपके पास आया था। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं रोज़ाना इस कमरे में आता हूँ, संदूक में से अपने इन कपड़ों और चप्पलों को निकाल कर देखता हूँ। आज आपकी कृपा से मेरे तन पर कीमती वस्त्र हैं, महंगी जूतियाँ पहनता हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ। इसके बावजूद इन पुराने वस्त्रों और चप्पलों को रोज़ इसलिए देखता हूँ ताकि मैं अपने पुराने जो बुरे दिन थे उनको कभी भूल न जाऊं और मेरे मन में आपकी कृपाओं की याद सदा ताज़ा बनी रहे। इन वस्त्रों को देखने के बाद जब अपने वर्तमान को देखता हूं तो आपके प्रति श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता है। रजत की बातें सुनकर जगत राम का सिर शर्म से झुक गया और वह अपनी गलती पर बहुत ही पछताने लगा। जब तक हमें किसी की बात की सच्चाई नहीं पता होती, हम किसी को दोषी नहीं कह सकते हैं। तो रजत अपने कमरे में आता था तो उस किसी गलत काम से या उसका धन चुरा कर नहीं रखा था, वह तो अपने जो पुराने कपड़े थे, जूते थे, चप्पलें थी, उन सबको देखता था और अपने जो पुराने दिन थे उनको कभी नहीं भूलता था कि मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने उन सेठ जी की वजह से, जगत राम जी की वजह से थे वो। तो इस बात का जब जगत राम को पता चला तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इस पाठ से आपको ये समझ में आया होगा कि हमें अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमारा असली धन हमारे लिए वह पुरानी यादें ही होती हैं। तो इस पाठ को मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, बाय।